हाथरस इलेक्ट्रॉनिक्स व्यवसायी पर बदमाशों ने की फायरिंग, नकदी से भरा थैला व लैपटॉप लूटा। दुकान पर प्रेस लेने आए बदमाशों ने दुकानदार के ऊपर हमला कर किया घायल और लूट की घटना को दिया अंजाम। व्यवसायी से एक लैपटॉप व हजारों की नकदी से भरा थैला लूटकर बदमाश हुए फरार। घायल व्यापारी को इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन, हालत गंभीर। बीच बाजार सरेआम लूट की घटना से इलाके में भारी दहशत का माहौल। अपराध को रोकने में नाकाम हाथरस सदर कोतवाली पुलिस। इलेक्ट्रॉनिक व्यवसायी से लूट की घटना से व्यापारियों में रोष। हाथरस जिले की सदर कोतवाली मस्जिद चौराहा स्थित कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक स्टोर की घटना। संवाददाता नरेश कुमार की रिपोर्ट। बात हो गई कैसे? मैं दुकान बढ़ा रहा था, 9 बजे का टाइम था। अच्छा, लाइट वाइट कट ऑफ करने के बाद कैमरे वैमरे बंद हो जाते हैं। व्यक्ति आया प्रेस का, प्रेस खरीदने के लिए। हाँ। लड़का बाहर खड़ा हुआ था, लड़का अंदर प्रेस खाने आया, उसने उसमें एकदम गोली मारी, मेरे में भी मारी, वो मैं थोड़ा पीछे हट गया एकदम। अच्छा, फिर बाकी वो फिर चले गए भैया। मेरा लैपटॉप का बैग था। अच्छा, 10 से 15 हज़ार रुपये बैंक का कैश था। कहाँ की घटना है? नयागंज में ग्राहक सुविधा केंद्र है और बिजली का दुकान है। होल्ड कर लो पहले, वो लगा दवाई वालों के सामने। नयागंज बाजार है जो इलेक्ट्रॉनिक व्यवसायी है उससे लूट हुई है, और क्या मामला है? देखिए, ये थाना कोतवाली सदर जिला हाथरस का नयागंज का एरिया है। यहाँ पे अभी शाम को 9:30 बजे के लगभग जो प्रार्थी हैं राहुल जी, वो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान बंद करके जा रहे थे, तो दो अज्ञात लोग आए, उन्होंने इनके सिर पे किसी चीज़ से वार किया और इनका जो एक बैग था, लैपटॉप का बैग, उसमें और कुछ और सामान था, उसको लेकर के भाग गए। तत्काल यहाँ मौके पे हम लोग आए हैं, SOG और सर्विलांस की टीम भी आई है। CCTV फुटेज के द्वारा और सर्विलांस तथा मुखबिरों के द्वारा इस चीज़ की, इस घटना का अनावरण की पूरी फायरिंग भी हुई है, जल्दी इसका अनावरण कर लिया जाएगा। फायरिंग भी हुई है, इस चीज़ की अभी जांच की जा रही है, लोगों से आसपास पूछा जा रहा है। कितने रुपए व्यापारी से लूटे हैं, क्या क्या सामान लूटा? अभी जो व्यापारी हैं वो उनको थोड़ी चोट लगी थी और उनका प्राथमिक उपचार हो गया है, वो आ गए हैं। अभी वो जिस हिसाब से तहरीर देंगे, उनके तहरीर के हिसाब से मुकदमा दर्ज किया जाएगा और आगे विधि कार्रवाई की जाएगी। सर, ये कोतवाली क्षेत्र में लगातार घटनाएं हो रही हैं, क्यों अंकुश नहीं लग पा रहा है? नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार, और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।